The Daily Show with Muneer Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की सियासत में रोज कोई नई खबर ना आए, ये कैसे मुमकिन है? एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई जो कि कल रात स्टोरी डेवलप हुई और आज हम जरा इसके हवाले से तस्करा करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली जनाब अयाज सादिक साहब ने कल प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट में जो बातें उन्होंने कही, यकीन तौर पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा हौसला अफजा था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जल्द वतन वापस आएंगे और जनवरी 2023 में ये वापसी मुतवक्क है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात तो यकीन तौर पर कही जा सकती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त उनकी कमी को बहुत ज्यादा महसूस कर रही होगी, लेकिन क्या वजह बनी कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह यानी कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वतन छोड़ के जाना पड़ा? कुछ आदाद शुमार और कुछ तारीख के वाकयात हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। 2018 में एहतसाब अदालत में अल अजीजा स्टील मिल्स करप्शन रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को 7 साल की सजा सुनाई गई, जबकि इन्हें एवनफील्ड रेफरेंस में मजमूई तौर पर 11 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड यानी कि 1.3 बिलियन रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। इसके बाद 2019 में लाहौर हाईकोर्ट ने इनकी सजा को कुछ अरसे के लिए उसमें तकफीफ की और इनको इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क सफर की इजाजत दी गई। ये जो सूरत हाल थी, इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 रोज बाद वतन से रवाना हुए और अपने इलाज की गर्ज के लिए वो लंदन रवाना हुए। उसके बाद काफी अरसे से आज तक वो लंदन में मुकीम है और उनका कयाम जो लंदन में है वो काफी ज्यादा तवील नजर आता है। क्या वजूहात बनी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस दौरान किसी भी तौर पे किसी भी फोरम को इस बात के लिए मुतमईन ना कर सके कि जिस इलाज का कह के वो मुल्क से रवाना हुए थे उस इलाज की कोई अपडेट शेयर करते? ये अपडेट्स ना किसी फोरम पे शेयर की गई, ना ही पाकिस्तान की मीडिया को, ना ही मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स को। लेकिन अब जब मुस्लिम लीग नून के सदर यानी कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की बातें हो चली हैं, तो ये बात यकीनी होगी कि क्या ये वापसी सियासी पहलुआत को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है या सेहत की अब नासाजी उस कदर खराब नहीं है और सेहत उस कदर अब खराब नहीं है कि मियां साहब वतन वापस आ सकें। आपने ये भी जरूर ऐड करना चाहेंगे कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से जेरे इल्तवा केसेस थे उनका मुस्तकबिल क्या होगा? हमने देखा कि कुछ दिनों से जब से ये हुकूमत आई है, जब से 6 माह की हुकूमत हुए, इस हुकूमत को आए हुए, तब से हुकूमती वुजरा के ऊपर, हुकूमती मुशीरान के ऊपर या हुकूमती जो क्लोज सर्कल के लोग हैं उनके हवाले से जो भी केसेस थे उनमें इन्हें काफी ज्यादा रियायत मिली। नैब कवानीन में तरामीम हुई और उसके बाद काफी सारे जो केसेस जिसको एक वक्त में ओपन एंड शट केसेस कहा जा सकता था, उन तमाम तर केसेस में यह कहा जा सकता है कि इन तमाम तर लोगों को बरियत मिली और वो क्लीन चिट लेके अब पाकिस्तान की सियासत में भरपूर तौर पर अमल पैरा नजर आते हैं। इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें पाकिस्तान के सीनियर साफी जनाब कामरान साकी साहब। जरा इनसे जानेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से ये जो खबर गर्म है, इस खबर में कितनी सदाकत है और इस खबर के पीछे का पस मंजर क्या है? साकी साहब अस्सलाम वालेकुम। साकी साहब ये बताइएगा कि कल रात ये स्टोरी डेवलप हुई अयाज सादिक साहब की जानिब से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड भी थी, काफी ज्यादा वांटेड भी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के चाहने वालों की जानिब से, नून लीग के चाहने वालों की जानिब से। कहा जा सकता है कि ये एक अच्छी खबर है या सिर्फ खबर है? ये सिर्फ अभी तो सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए है, ऐसा नहीं है अभी जब तक इलेक्शन के अनाउंस नहीं होते और बल्कि इलेक्शन डे नहीं आ रहा था करीब, तब तक जो है वो मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ जो है वो वापस आएंगे, क्योंकि उन्हें ना सिर्फ इलेक्शन का टाइम जो है वो नून लीग इस्तेमाल करेगी, यानी कि उनका वोट बैंक जो है यकीनन वो भी मौजूद है और वो सबसे पहले जब तक क्लीन चिट भी नहीं मिल जाती उन्हें जब तक पूरी तरह यकीन नहीं हो जाता कि अब अचानक रात रात हुकूमत किसी जगह पे बदलेगी नहीं और नए केसेस नहीं बनेंगे और पुरानों में कोई गिरफ्तारी या कोई चीज नहीं होगी या उनके लिए तो सियासी तौर पर मुखालफिन कोई महाज नहीं खड़ा करेंगे,
तब तक वो वापिस आते हुए कम अज कम मुझे दिखाई। साकी साहब सर ये बताइएगा कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया, क्या इस स्टेटमेंट के देने की वजह ये प्रेशर भी होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो छुट्टियां मनाने यूरोप के दौरे पे गए और खास तौर पे उसके बाद मुस्लिम लीग नून के अपने धड़ों में ये आवाज उठने लगी कि मियां साहब को वतन भी वापसी आना चाहिए, पार्टी मुसलसल कमजोर हो रही है, सियासी एतबार से जिस परफॉर्मेंस का तकाजा हो रहा था वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, जिस सतह की हम देखते थे शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस गवर्नमेंट में रहकर होती थी, शायद वो वजीर आजम बन के भी उस तरीके से डिलीवर करने में अब तक कामयाब नहीं हुए, तो इस सारे प्रेशर्स ऐड हुए इस खबर के लिए। देखिए आपको याद होगा कि जब सागदार को जो है बुलाया गया था, ऐसी ही खबरें बल्कि इससे ज्यादा तब गर्म थी कि वो जाएंगे वापिस आएंगे साथ में और पता नहीं कोई उनके पास जादू की छड़ी है और तमाम हालात बदल जाएंगे और सागदार होने की रिपोर्ट देते ही मियां नवाज शरीफ अगली फ्लाइट से जो है हालात तो बदले ना साकी साहब आवाम के नहीं लेकिन उनके तो जरूर बदल गए, जहाँ पे लोगों को दो रोटियां मिलती थी वहां अभी एक में असर आती है, लेकिन सागदार साहब के हालात तो बदल गए ना, उनके जो केसेस थे वो सारे खत्म हो गए, उनके ऊपर जो पाबंदियां थी ये हम जैसे मजारों के लिए केस होते हैं चौधरी वडेरों के लिए केसेस नहीं होते, इनके लिए क्या नियत रखते हैं नैब के केसेस। हम आए में तो एक एएसआई जन से फोन करे कि साकी साहब थोड़े पर्चा हुआ या दरखास्त था तो साकी साहब उल्टे पांव जो है वो लाहौर से जंग पहुंच जाते हैं, तो इनके लिए ये अहमियत नहीं रखते चाहे वो कत्ल के हों एफआईआर हो कुछ नैब के केसेस हो, इन्हें पता है कि ये पॉलिटिकल केसेस का नाम दे के हम कहीं एनआरओ ले लेंगे, कहीं अपने ही बाद में तफ्तीशी ऑफिसर्स लगा के इन्हें क्लियर कर लेंगे। ये सिर्फ इन्हीं का अलमिया नहीं है, बाकी पोलिटिकल पार्टीज भी इकतदार या पावर इंजॉय करने के इसीलिए आती है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट कर सके और इन चीजों को अपने कपड़ों पे लगे ताक को एक बड़े अच्छे सर्फ से जो है वो धो सके। इससे ज्यादा इन्हें ना कोई पैसे की जरूरत है ना इन्हें यहाँ पे कुछ और करने की, बल्कि सिर्फ अपने जो मौजूदा बिजनेसेस हैं उन्हें एक शेल्टर फ्राम करने के लिए जो है वो इकतदार। अच्छा सागी साहब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और काफी हद तक बात दुरुस्त भी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आज से कुछ माह पहले और गुज़िश्ता साल भी ये बातें अक्सर कही जा रही थी कि मियां साहब वापस आ जाएंगे, जल्द वापसी हो जाएगी, उस वक्त मरियम साहिबा ये बातें कही क्या करती थी, आज अयाज सादिक साहब क्या करते हैं, उस वक्त जब मियां साहब वापस नहीं आए वतन तो काफी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, अब अगर उनकी अपनी हुकूमत को अब 6-7 माह गुजर चुके हैं और अब भी इस बयान के बाद मियां साहब वतन वापसी ना आए तो आपको नहीं लगता इसका नून लीग की सियासत के ऊपर बड़ा गहरा असर होगा? नहीं, ये नून लीग ने जो है वो एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई है, जितनी देर वो बाहर रहेंगे नून लीग का एक भरम रहेगा तो पता नहीं नवाज शरीफ ने आ जाना था तो लोगों को आटा मुफ्त मिलना शुरू हो जाना था, दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जानी थी, शहबाज शरीफ को सपोर्ट हासिल हो जानी थी, ये इलेक्शन तक ये भरम रखेंगे क्योंकि मुखालफी आपको पता है कि जब ये जलावतनी अज खुद के बीमारी के नाम पर बैर जाना थे तब वो ये कहते थे कि इनकी सियासत जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है, लेकिन बाद में आपने देखा के पीडीएम के दौर में और अभी भी जब आर्मी चीफ की हाल ही में कर रही हुई तो बार बार जब शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात करने जा रहे थे तो पूरी दुनिया का मीडिया इन्हीं चीजों को दोहरा रहा था कि अगर इनकी पैसा खत्म हो गई है तो एक मुल्क का एक इतना बड़ा फैसला जो है वो भी बड़े भाई से पूछ के लिया जा रहा है और उस शख्स से पूछ के लिया जा रहा है जिसकी सियासी साख या सियासत खत्म होने का जो है वो दावा उसके मुखालफीन कर रहे हैं, तो ये जिंदा रखना जरूरी है और ऐसे बयान इसीलिए होते हैं कि वो मीडिया के अंदर इन रहे। ये बदकिस्मती से पाकिस्तानी सियासतदानों और इंडिया के एक्ट्रेसेस में ज्यादा फर्क नहीं है जो ऊपर अपने मुख्तलिफ इल्जाम लगा के जी उन्हें छेड़ देता उन्हें मेरी पूछ से पैर रखा मीडिया के अंदर रहना चाहते हैं और जिंदा रहना। अच्छा साकी साहब ये इस बात तो बिल्कुल दुरुस्त की कि हमारे यहाँ अक्सर खबरें इसलिए भी लगाई जाती हैं या ऐसी बातें इसलिए भी कही जाती हैं ताकि कहीं ना कहीं मीडिया के हद तक जिंदा रहें और आम आवाम के जो घरेलू मामलात या रोजमर्रा के मामलात है उसकी गॉसिप्स में भी जिंदा रहें, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त नून लीग को वाकई तौर पर मियां साहब की जरूरत भी है क्योंकि परफॉर्मेंस की ग्राउंड पर भी देखें तो नून लीग डिलीवर तो नहीं कर पाई है और अगर इस नतज के साथ इस परफॉर्मेंस के साथ अगर इलेक्शन में नून लीग को जाना है तो कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि आवाम को अपनी तरफ रागिब करने में काम दे सके। शायद आप क्या चाहते हैं कि आखिरी मोरा जो उन्होंने बचा के रखा है नवाज शरीफ उसे भी पाकिस्तान में लाके गंदा कर रहे हैं? सर मियां साहब आएंगे तो सूरत हाल क्यों गंदी होगी? सर सूरत हाल अच्छी हो जाएगी। सर कौन सी जादू की छड़ी है जिसे उन्होंने कुछ कर लेना है? सर वही जादू की छड़ी जो सागदार साहब आने से पहले लंदन में छोड़ के आया भूला है, शायद वही लेके आ जाए। वो छड़ी नहीं, वो और कुछ डॉलरों के बैग होंगे जो वहां से वो ले आए तो शायद मुल्क में डॉलरों की कमी पूरी हो जाए और मामला बेहतर हो जाए। इन लोगों के ये एक जो आप इसे अकेला नून लीग को जिम्मेदार ना समझिए,
ये माजी का तसलसल है जो हुकूमतों को बोया है वही इन्हें काटना पड़ रहा है। कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि महंगाई हो, बदमनी हो, बेरोजगारी हो, चाहे नून लीग हो, पीडीआई हो या कोई भी हो, सिर्फ ना उनकी पास, क्योंकि गुज़श्ता हुकूमत के पास टीम नहीं थी और वो डिलीवर नहीं कर पाई, अपने बुलंदबाज दावों को पूरा नहीं उतर पाई, तो उसका खुमियाजा पाकिस्तानी अवाम और हुकूमतों को बदलना पड़ रहा है। इन्होंने गलती ये की कि इन्होंने उन्हें सियासी शहीद कर दिया, अदम एतमाद की तहरीक लाकर इन्होंने समझा कि हमने इसका फायदा ले लिया है, लेकिन उन्हें पीटीआई के वोट बैंक में हजार गुना उससे फायदा इजाफा हुआ और अगले इलेक्शन में हजार गुना इन्हें पीटीएम की तमाम जमातों को और खसूसन नून लीग को जो है वो उसका नुकसान होता नजर आ रहा है। इन्होंने चंद दिन के इंतजार के लिए अपने अगले इलेक्शन को जो है वो अभी तक जाया किया हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में भी मुझे ये डिलीवर करते हुए नजर नहीं आते। हाँ, अगर कोई दो तीन माह में कोई वाजिया तब्दीली लाते हैं, जाते जाते कोई बड़ी सब्सिडी दे जाते हैं, कोई सस्ते तंदूर लगा देते हैं, क्योंकि हमें तालीम और सेहत तो चाहिए ही नहीं। हम लोग तो वो हैं जो आटे का थैला साथी के घर के बाहर एक वो ट्रक आ जाए, दो सिलाई मशीनें आ जाए मोहल्ले की बेवाओं के लिए, चौधरी के डेरे के ऊपर सोलंग लग जाए, दो नालियां बन जाए, तो हम उसी से राजी हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही कारनामे कर देंगे तो यकीनन तमाम लोगों के, इन मजारों के आम शहरी जैसे ये लोग नहीं समझते या शहरियों के हुकूक भी नहीं देते, उनके वोट यकीनन नहीं लगेंगे। अच्छा जाकिर साहब, फाइनल जरा ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त पंजाब असेंबली के हवाले से भी काफी सारी बातें चल रही हैं और कहा तो यही जा रहा है तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि शायद दिसंबर का महीना ये पंजाब असेंबली की मुद्दत का आखिरी माह हो सकता है, और इस हवाले से भी नून लीग का ये कोशिश होगी कि मियां साहब पंजाब असेंबली की जो इंतखाबी अमल है उसमें हिस्सा ले सके, क्योंकि नेशनल असेंबली का तो मामला आज भी उनके हाथ में है लेकिन पंजाब असेंबली शायद उस तरीके से वो कंट्रोल नहीं कर सकते और जो इलेक्शंस है वो शायद दो या तीन माह के अंदर अगर कराने पड़ जाते हैं या चार माह के अंदर कराने पड़ जाते हैं, तो मियां साहब को भी इतना टाइम जरूर चाहिए कि वो आके उस बयानी को सेट कर सकें, उसको मकबूल कर सकें और खान साहब के हम पल्ला खड़ा कर सकें। देखिए, इक्तदार छोड़ना जो है वो उसकी बात करना भी बात है, पसीने आ जाते हैं, ये बड़े लीडर जो ये तो एतराफ भी कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले। हाँ, तो वो जब छोड़ेंगे नोमन तेल होगा राता नाचे की, ये तमाम चीजें तब की हैं, लेकिन मियां साहब का पंजाब से वो वफाकी सदा के बंदे हैं, पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब के अंदर यकीनन जब वो आएंगे तो वो देखेंगे कि टिकट उन्होंने किन्होंने देनी है, उसके ऊपर यकीनन नून लीग की जमातों ने और पीपल पार्टी और तमाम जमातों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन साकिब साहब, एक टाइम फ्रेम तो दरकार होगा ना मियां साहब को वो बयानियां सेट करने में, वो काफी अरसे से लोगों से डिसकनेक्ट भी है, ग्रास रूट से शायद हम ये भी कह सकते हैं उस हद तक नहीं जुड़े हुए। जो सभी कामरान साकी का बिल जो है वो 10,000 से ऊपर आ रहा है, उसके मामलात उससे महंगाई है, मेरे सामने आप मियां नवाज शरीफ को वक्त से पहले बैठा देंगे कुछ करने से पहले, मैं उसका गरेबान पकड़ लूंगा, उसे मारूंगा, उसे बुरा भला कहूंगा, उसकी जो इमेज एक बना हुआ था कि आएगा तो नोमन तेल बन जाएगा यहाँ पे, वो खराब कर दूंगा। वक्त पे खेलेंगे वो, क्यों वक्त से पहले उसे बुला के अपना काम खराब करेंगे? वो यकीनन इस पत्ते को, मैंने फिर बार बार वही बात कर रहा हूँ, उनको टाइम भी तो चाहिए ना साकी साहब, एक इतना वक्त जो कि उनको बयानियां बाहर बैठ के भी बन जाता है। बयानिए के लिए आपको सड़कों पे होना जरूरी नहीं है, वो सोशल मीडिया की सियासत है। अब जब से जुलूस अगर इतने कामयाब होते तो आजादी मार्च कब कामयाब हो चुका होता, इस्लामाबाद बंद हो चुका होता, ये तमाम बीडीएम की जमातें घर पहुंच चुकी होती, आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान की मर्जी का लग चुका होता। ये रोड़ों की सियासत खत्म हो चुकी है, अब सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, मीडिया वार्स है, अब इसके जरिए है। वो जब बयान देंगे, अब देखें अब वो किसके खिलाफ बयान देंगे, आर्मी चीफ के खिलाफ दें, DGISI के खिलाफ बयान दें, इमरान खान के खिलाफ बयान दें, किसके खिलाफ बयान? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया मियां साकी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। और कामरान साकी साहब सीनियर साफी हमें ज्वाइन कर चुके थे और उन्होंने जो कुछ गुफ्तगू की, जो कुछ बातें उन्होंने की, यकीन तौर पे इंटरेस्टिंग इस एतबार से भी है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की बात कहें या तहरीक इंसाफ की बात कहें, दोनों के पास सियासत करने के लिए जो मैदान है वो हर गुजरते दिन के साथ श्रिंक होता जा रहा है। कहने को तो दोनों ही जमातें या दोनों ही धड़े अपने अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं, क्लेम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अमली तौर पर कहा
कहा जाए तो यह आसाब की जंग है, और आसाब की जंग में कौन किसके ऊपर कब बर्तरी हासिल करेगा यह फिलहाल कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। इस आसाबी जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है वो क्या होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि रिएक्टिव फोर्स नजर आ रही पीडीएम की जमातें, उनका क्या रद्द अमल होगा, यह सारा कुछ देखने से ताल्लुक रखता है। यह सवाल बहुत अहम है और यह सवाल यकीनी तौर पर अहम रहेगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कितना वक्त दरकार होगा कि वो पाकिस्तान आके अपने मुकदमात से बरी होके अपनी सियासत को आजादाना तौर पे करते हुए अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, उन ग्रास रूट से के लोगों को फिर से एक्टिव कर सकें जो कि एक वक्त में मियां साहब के साथ चला करते थे। याद रहे कि आज से कुछ अरसा पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का गढ़ कहलाए जाने वाला लाहौर और लाहौर के गिर्दो नवा के इलाके भी अब काफी ज्यादा तहरीक इंसाफ के जेर असर नजर आते हैं, लेकिन ये जेर असर तहरीक इंसाफ के कब तक रहेंगे ये भी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। इसके ऊपर कुछ और भी गुफ्तगू करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया है ईवीएम मशीन के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।